शहरपुर नाम के गांव में संगीता नाम की एक महिला अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसके पति कई साल पहले ही तबीयत खराब होने की वजह से मर गए थे। उसकी एक बेटी और एक बेटा है। उन्हें बहुत मेहनत से और प्यार से पालती हैं और बहुत बड़ी पढ़ाइयां पढ़ाती हैं। ऐसे ही एक वक्त बाद उनकी शादियां भी कर देती हैं। बेटी तो अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन बेटा भी नौकरी के नाम से उन्हें छोड़कर दूर रहने लगता है। तब से संगीता अकेले ही अपना जीवन गुजार रही थी। बच्चों को बचपन से किसी चीज की कमी नहीं होने दिए बिना, एक पल के लिए भी आंखों के सामने से उज्जवल होने दिए बिना पाल पोस कर बड़े करते हैं माँ बाप। वही बच्चों के लिए पता नहीं क्यों वो माँ बाप बोझ जैसे नजर आते हैं। ऐसे अपने आप में कहते हुए दुखी हो रही थी। इतनी में संगीता की बेटी उसके घर आती है। कैसी हो माँ? देखने पर तो अच्छी ही लग रही हो। मुझे 2 दिन की छुट्टी मिली है, इसीलिए आई हूँ थोड़ी से चावल और गेहूँ लेने के लिए। फसल तो आ गई होगी ना? ये बूढ़ी माँ कैसे है ये देखने के लिए आई हो समझती बेटा। आपको क्या होगा माँ, खेती पैसे आ रहे हैं ना, और हर महीना मैं भी तो पैसे बेच रही हूँ ना। ये कहते हुए कम से कम अपनी माँ की तबीयत कैसे है, वो अकेले कैसे रह रही है, ये पूछे बिना ही वो जिस काम के लिए आई थी वो सारा सामान पैक कर लेती है। लेकिन उन दिनों में एक बार भी अपनी माँ से बात किए बिना वहाँ से चली जाती है। अपना ख्याल रखना बेटा, और इस बूढ़ी माँ से कुछ काम ना भी हो तो आकर जाते रहो ना। तीखे गएकर संगीता की बात खत्म होने से पहले ही वहाँ से चली जाती है उसकी बेटी। ऐसे कुछ दिन गुजारने के बाद संगीता का बेटा घर आता है। क्यों माँ, बहन घर आई थी ना, हमेशा सारी फसल वही लेकर जा रही, तो मैं क्या करूँगा? अरे बेटा ले जाने दे, छोटी है वो सब छोड़। लेकिन काफी दिनों से मेरी तबीयत खराब रह रही है, मैं अकेली नहीं रह पा रही हूँ। क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ अपने घर आ सकती हूँ? क्यों, आपकी प्यारी बेटी है ना, उसके पास जाओ, घर की सारी चीजें देते वक्त वो याद आती है, और तबीयत खराब होने पर मैं, अब मैं चलता हूँ। ये कहते हुए गुस्से में वहाँ से चला जाता है संगीता का बेटा। अपनी माँ से मिलने की ख्वाहिश, हालचाल पूछने की इच्छा अपने बच्चों में नहीं है, ये देखकर काफी दुखी होती है संगीता। लेकिन अपने बेटे को ऐसे जाते हुए देखकर संगीता अपने आप को रोक नहीं पाती और उसके पीछे भागने लगती है। लेकिन बूढ़ी होने की वजह से और सेहत ठीक ना होने की वजह से वही सड़क पर गिर जाती है। वहाँ पर खड़ी एक छोटी सी लड़की उसे देखकर भागकर जाकर संगीता को उठाती है। अयो उठिए माँ जी, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी है ना? नहीं बेटा, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ सकती हो? जरूर माँ जी, चलिए, कहाँ पर है आपका घर? ये कहते हुए वो लड़की संगीता के साथ उनके घर तक जाती है। घर पहुँचाते ही संगीता बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बाद क्या हुआ है माँ जी, अपनी आंखें खोलिए, इन्हें तो बहुत तेज बुखार है, सारा बदन जल रहा है। ये कहते हुए संगीता को घर में सुलाकर भागकर जाकर दवाइयों की दुकान से दवाइयां लेकर आती है। उसके बाद गरम गरम खाना बनाकर संगीता को उठाकर उसे खाना
और दवाइयाँ खिलाती है। ऐसे 3 दिन बाद संगीता की तबीयत ठीक होती है। ऐसे भर पेट खाना खाकर 1 हफ्ता हो रहा है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। 1 हफ्ता? इसीलिए तबीयत इतनी खराब हुई थी। वैसे आपके बच्चे कहाँ पर हैं? आपको ऐसे छोड़कर कहाँ चले गए? अपने बच्चों के बारे में सब कुछ बताती है संगीता। वो सुनकर काफी दुखी होती है वो लड़की। और ऐसे ही, मेरा नाम सिंधु है माँ जी, मैं बचपन से ही अनाथ हूँ। मैं ये भी नहीं देख पाई कि मेरे माँ बाप दिखते कैसे हैं। ये वो काम करके मैं अपना पेट भरती हूँ। जिनके माँ बाप होते हैं वो उन्हें छोड़कर सारी दुनिया चाहते हैं, और रहना भी चाहे तो हमारे पास नहीं है। ऐसे अपना सारा दुख तकलीफ बताकर रोने लगती है वो लड़की। उसकी बात सुनकर संगीता को भी आंसू नहीं रुकते। चुप हो जाओ बेटा, इन 3 दिनों में तुमने मुझे 1 पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। तुम्हारे जैसी बेटी मुझे कहाँ मिल सकती है भला? आज से तुम मुझे माँ कहकर बुलाओ, मैं हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखूंगी। वो बात सुनकर काफी खुश होती है सिंधु, और एकदम से जाकर संगीता को गले लगा लेती है। ऐसे कुछ दिनों तक बहुत ही आराम से और सुकून से रहने लगते हैं दोनों। सिंधु संगीता का ख्याल ऐसे रख रही थी कि उसे नीचे पैर रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। संगीता भी सिंधु को किसी चीज की कमी नहीं होने देती थी। ऐसे दोनों बहुत प्यार से रह रहे थे। इतने में 1 महीना गुजरते ही संगीता की बेटी फिर से घर आती है। क्या माँ, सुना है किसी लड़की को घर में लेकर रखा है, कौन है वो? इतने में वहाँ पर सिंधु आती है। आइए दीदी जी, अंदर बैठिए। तुम ही हो वो लड़की, हमारी माँ को जाल में फंसाने वाली, हमारी सारी जायदाद हड़पने के लिए। इतने में संगीता का बेटा भी वहाँ पर आता है। बिना जान पहचाने वालों को घर में लाकर रखने पर लूटेंगे नहीं तो और क्या करेंगे, हा? वो बातें सुनकर गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता है संगीता को। उसके बाद, मेरी नवासी से खिलाफ 1 और शब्द भी कहा तो मैं चुप नहीं रहूंगी। अब तक तुम दोनों मेरे बच्चे हो, इस 1 वजह से तुम्हारी हर गलती को माफ करती आई हूँ। लेकिन वो मेरे भरोसे यहाँ पर रह रही है, इसीलिए उसके खिलाफ 1 शब्द भी मत कहना। हमेशा चुप रहने वाली उनकी माँ को अचानक से इतने गुस्से में बात करते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं दोनों बेटे। मैं कैसी हूँ ये पूछना भी मुनासिब समझे बिना सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हो तुम लोग। सिंधु ने मेरे लिए वो किया है जो पिछले 25 सालों में मेरे खुद के बच्चे नहीं कर पाए। आज सच में पराए अपने से ज्यादा अहमियत रखते हैं। ये कहकर रो रही अपनी माँ को देखकर संगीता के दोनों बच्चे भी दुखी होते हैं और उससे माफी मांगते हैं। उसके बाद संगीता का बेटा संगीता और सिंधु को अपने साथ अपने घर लेकर जाता है। तब से सब साथ मिलकर अच्छे से प्यार से रहने लगते हैं और सिंधु को भी अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं।